फ्रेंड्स कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आपने वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा, तो हम कुछ उस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग करेंगे एंड जो भी बैकग्राउंड एंड पीएनजी का लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं एंड आप ऐड फोटो में जाएंगे एंड अपने मॉडल को चूज करेंगे। तो चलिए हम फटाफट से चूज कर लेते हैं। तो आपको कुछ इस टाइप की फ़ोटो क्लिक करानी है, देख सकते हो। तो जस्ट इसे हम इरेज कर चुके हैं, जस्ट इरेज करना नहीं आता है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा एंड इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट करेंगे कुछ इस टाइप से, देख सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ से ओपेसिटी पर क्लिक करेंगे एंड इसको ओपेसिटी डाउन करेंगे एंड फिर इरेजर पर क्लिक करेंगे एंड हार्डनेस को साइज अपने मुताबिक रख लेंगे। जस्ट ऐसे जूम करेंगे एंड ए वाला पार्ट हम इरेज करेंगे जो इस साइड पाँव के आ रहा है। तो चलिए हम इरेज कर लेते हैं। थोड़ा अच्छे से करिएगा इरेज। ऐसे इरेज हो चुका है, जस्ट यहाँ से राइट पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद इसकी ओपेसिटी को फुल करेंगे, देख सकते हो। ज़्यादा ही पिक बड़ा लगे तो थोड़ा सा छोटा करेंगे कुछ इतना एंड फिर से इरेजर पे क्लिक करेंगे एंड इन नॉट सॉरी हार्डनेस को फुल साइज अपने मुताबिक रख लेंगे एंड इस बार अरे तो इतना हम कर लेते हैं। फिर उसके बाद ब्रश पे क्लिक करके एडजस्ट करेंगे एंड देख सकते हो जस्ट यहाँ पे अरेंज करेंगे ये वाला एरिया ताकि एकदम बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से। जस्ट यहाँ से हो चुका है एंड अब इसकी शैडो बनाएंगे, तो जस्ट राइट पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद फिर से जस्ट यहाँ से फिर से ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। जस्ट यहाँ से कलर्स में जाएंगे एंड यहाँ से फर्स्ट वाला चूज करेंगे ब्लैक कलर। जस्ट हमारे में डार्क मोड ओपन है तो इसलिए यहाँ पे वाइट दिखा रहा है, बट दिक्कत की कोई नहीं आता है, हम लोगों को डार्क चूज करना है एंड यहाँ से राइट पे क्लिक करेंगे यहाँ से ऐड। तो देखो डार्क हमारा आ चुका है एंड जस्ट कुछ इस टाइप से इसको रखेंगे। जस्ट देख सकते हो यहाँ से इरेजर पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से इनवर्ट पर क्लिक करेंगे, जस्ट ऐसे जूम करेंगे एंड ब्रश की साइज़ को कुछ इतना, हार्डनेस कुछ इतना, ओपेसिटी कुछ इतना रखेंगे एंड हार्डनेस कुछ इतना, उस साइज अपने मुताबिक रख लेना एंड जस्ट उसके बाद साइड व्यूज की बनाएंगे। तो जस्ट देख सकते हो एंड कुछ यहाँ पे ऐसे, जस्ट यहाँ पे कुछ ऐसे कर देंगे एंड यहाँ पे ऐसे रखेंगे जस्ट। तो साइड बन चुकी है एंड कुछ यहाँ पे रख देंगे, जस्ट देख सकते हो जस्ट यहाँ पैर पे आ गई, तो इसमें रेज कर देते हैं, जस्ट कोई दिक्कत की बात नहीं है। जस्ट यहाँ से राइट पे क्लिक करेंगे एंड ओपेसिटी इसकी कुछ इतनी रखेंगे एंड यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ से मूव डाउन, तो देख सकते हो ओपेसिटी थोड़ी सा और बढ़ा देते हैं एंड देख सकते हो हमारी शैडो बन चुकी है एंड यहाँ से राइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ड्रॉ में चलेंगे एंड थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, देख सकते हो यहाँ से सेव इमेज। तो ओके फ्रेंड्स, हम लाइटरूम में आ चुके हैं, जस्ट इसका कलर ग्रेडिंग करेंगे। तो सॉरी फ्रेंड्स, इधर साइड में ट्रेन है तो जस्ट एडजस्ट कर लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ी बहुत नॉइज आ सकती है एंड पूरी कोशिश करूँगा कि नॉइज ना आए। तो जस्ट यहाँ से लाइट पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को कुछ इतना बढ़ाएंगे एंड हाईलाइट को इतने कर देंगे एंड साइड थोड़ी सी बढ़ाएंगे कुछ इतना एंड वाइट्स को कुछ इतना एंड ब्लैक्स को मैंने इसका साइड, जस्ट यहाँ से कलर्स में आ जाएंगे एंड इसका टेम्परेचर प्लस के साइड रखेंगे एंड यहाँ से टिंट को कुछ इतना रखेंगे, देख सकते हो मस्त लुक आ रही है टिंट माइनस के साइड रखने एंड वाइब्रेंस को कुछ इतना बढ़ाएंगे, जस्ट यहाँ से कलर्स में आएंगे एंड इसका सेचुरेशन तो माइनस कर देंगे एंड लुमिनस बढ़ा देंगे ह्यू प्लस का साइड,
जस्ट इसका भी इशू प्लस का साइड एंड सेचुरेशन माइनस कुछ इतना एंड लुमिनस बढ़ा देंगे जस्ट यहाँ से येलो कलर का सेचुरेशन कुछ इतना बढ़ाएंगे एंड ग्रीन कलर का भी सेचुरेशन कुछ इतना जस्ट इशू सॉरी प्लस के साइड कुछ इतना रखेंगे जस्ट एक्वा कलर का भी सेचुरेशन बढ़ाएंगे एंड ब्लू कलर का सेचुरेशन इतना एंड इशू कुछ इतना माइनस के साइड सेचुरेशन कुछ ज़्यादा तो थोड़ा कम कर लेंगे एंड इशू भी थोड़ा कम कर लेंगे जस्ट यहाँ से इसका सेचुरेशन माइनस जस्ट इसका भी सेचुरेशन माइनस जस्ट यहाँ से डन डन करने के बाद यहाँ से क्लियरिटी में आ जाएंगे एंड इफेक्ट्स में आ जाएंगे सॉरी क्लियरिटी को कुछ इतना बढ़ा देंगे सॉरी कुछ ज़्यादा हो गया तो हम इतना ही रखेंगे एंड टेक्सचर को ऐड कर देते हैं जस्ट भीगनेट कुछ इतना रखेंगे जस्ट यहाँ से डन यहाँ से डिटेल्स में आ जाएंगे एंड नॉइज डायरेक्शन को कुछ इतना एंड कलर नॉइज डायरेक्शन को कुछ इतना जस्ट यहाँ से बिफोर आफ्टर देख सकते हो हमारी पिक डिटच हो चुकी है एंड यहाँ से शेयर एंड सेव टू डिवाइस। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छी लगी तो लाइक करें हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।